तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को भी यही गूगल पे में प्रॉब्लम्स हो रही है। जब भी आप अपने गूगल पे में बैंक सेलेक्ट कर रहे हो, देन आपके सामने यही चालू जा रहा है, बैंक रिस्पांस बार बार आपके सामने यही बता रहा है। तो इस वाली वीडियो में आपको फुल डिटेल बताऊं कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको भी यही बार बार सो रहा है द मोबाइल नंबर एंड बैंक, ये कह रहा है कि आपका भी जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में पहले से वेरीफाई हो चुका है। क्योंकि जो अभी आप जब दूसरी बार बैंक सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके सामने यही बार बार सो जा रहा है बैंक रिस्पांस, आपके सामने यही बार बार बता रहा है। आप दोबारा ट्राई करोगे एक नंबर से, जब भी आपको ये प्रॉब्लम शो होगी तो मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको फुल डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आपको दोबारा बैंक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ये बार बार प्रॉब्लम शो हो रही है, जब भी आपका बैंक है जो आपका वो वेरीफाई हो चुका है, जब भी आपका ये प्रॉब्लम शो नहीं आ रही है, जब आप दूसरी बार अपने बैंक में अपने नंबर से एक नंबर से दूसरा बैंक सेलेक्ट कर रहे हो, फिर आपके सामने यही बार बार शो जा रहा है बैंक रिस्पॉन्स, आपके सामने बार बार यही बार बार शो जा रहा है आपका बैंक पहले से वेरीफाई है और आप दोबारा अपना बैंक को फिर से सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपके सामने यही लिख के आ जा रहा है बैंक रिस्पांस। तो मैं आपको इस वाली वीडियो में फुल डिटेल बता रहा हूँ कि आपको ये बार बार प्रॉब्लम शो हो रही है, ये आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो आप भी अपने गूगल को ओपन जाके देख सकते हो और जो आपको ये प्रॉब्लम शो हो रही है एक बार अपने गूगल पे जाके आप देख सकते हो, जो आपका बैंक वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको मैं फिर से डिटेल में बताऊँगा कि आपको अगर ये आपको रियल एक बैंक से पहली बार बैंक से वेरीफाई करने में आपको ये प्रॉब्लम शो हो रही है तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो नई बना के लेके आऊंगा। ओनली आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना। और अगर आप अगर दूसरी बार अपना बैंक सेलेक्ट कर रहे हो तो देन आपके सामने यही चालू हो जा रहा है, तो मैं आपको इस वाली वीडियो में फुल डिटेल बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बार ये पढ़ सकते हो, ये आपके सामने लिखा है द मोबाइल नंबर एंड बैंक, तो आप देख सकते हो ये इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में फिर से वेरीफाई है और आपको कोई ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो बैंक है वो आपका वेरीफाई हो चुका है पहले से। जब आप दूसरी बार ट्राई कर रहे हो अपना बैंक सेलेक्ट करने के लिए तो आपके सामने यही शो जा रहा है बैंक रिस्पांस आपके सामने। तो आपको मैंने फुल डिटेल में आपको बताई दिया है। अगर आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज चैनल पे नया चलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।